एक समय था कि चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना गुरु माना था। राजनीति के इस नए दौर में कोई कहे या न कहे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं के रुख से साफ है कि अरविंद केजरीवाल बन गए हैं नई राजनीति के नए गुरु। कल तक तमाम बड़े दलों के बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते थे कि राजनीति करके तो देखो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल ने एक से बढ़कर एक धुरंधरों को सिखा दिया कि राजनीति कैसे की जाती है। ये राजनीति की परंपरागत शैली है। बड़े नेता आते हैं, भड़कीले मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हवाई जहाज से उड़न छू हो जाते हैं। और ये राजनीति का वो स्टाइल है जिसमें हर दरवाजे पर दस्तक देकर दिल जीतने की कोशिश होती है। इस शैली में संवाद है, लोगों से सीधे जुड़ने की ललक और सीधे लोगों के दिलों पर दस्तक देने की चाहत। और नतीजा भी सामने है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी सरकार बनाने के मुहाने पर आकर ठिटक गई और जिस आम आदमी पार्टी को नौसिखुआ कहकर कल तक मजाक उड़ाया जाता था, उसने दिल्ली का दिल जीत लिया। कुछ पार्टियों को भ्रम हो गया था, कुछ नेताओं को भ्रम हो गया था कि वो इस देश को लूटते रहेंगे और हम इन नेताओं के सामने, इन पार्टियों के सामने बहुत बेबस महसूस हो रहे थे। ये चुनाव आप लोगों ने लड़ा, यहाँ जितने वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं आज, देश विदेश से आए हुए हैं ये वॉलंटियर्स। भ्रम तो बहुत लोगों का टूटा। 60 साल से राजनीति के अखाड़े में न जाने कितने दांव आजमा चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी आपके मुरीद हो गए हैं। 86 साल की उम्र में वो भी अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कौशल से बहुत कुछ सीखने को तैयार हैं। हाउ डू यू सी द आम आदमी पार्टी डूइंग वेल इन दिल्ली? इट इज अ लेसन फॉर ऑल। आमतौर पर लालकृष्ण आडवाणी यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में भी गुरेज करते हैं, लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बात तो साफ है कि अब राजनीतिक पार्टियों को आम आदमी से जोड़कर ही राजनीति करनी होगी। मैं केजरीवाल और उनकी पार्टी की तारीफ राजनीति में नए बदलाव की तरफ इशारा करती है। केजरीवाल ने दिल्ली में रैली करने की जगह घर घर जाकर प्रचार करने की रणनीति को आजमाया। बगैर किसी लाग लपेट के हर मुद्दे पर जनता से सीधा संवाद किया। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली दिक्कतों को चुनाव का बड़ा मुद्दा बना दिया। बेहद मामूली से लगने वाले लोगों को टिकट देकर बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अपने चुनाव के खर्चे को बेहद पारदर्शी रखा और चंदे को 20 करोड़ की सीमा पर पहुंचते ही रोक दिया। केजरीवाल का ये करिश्मा काम कर गया, दिल्ली उनकी मुरीद हो गई। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पार्टी ने आकलन करके कहा कि हम 20 करोड़ में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो ये 20 करोड़ तो एक एक आदमी खर्च कर देता है, एक एक एमएलए खर्च कर देता है। यहाँ पे हमने कहा 20 करोड़ में चुनाव लड़ेंगे 70 के 70। और दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि जैसे ही 20 करोड़ रुपए आ गए, हमने कहा और चंदा नहीं चाहिए हम लोगों को। जहाँ पैसे को चुनावी जीत का मूल मंत्र माना जाता है, जहाँ जाति और धर्म के फ्रेम में राजनीति की तस्वीर फिट करने की कोशिश होती है, वहाँ केजरीवाल ने आम आदमी की राजनीति करके बड़े बड़े सियासी दलों को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। कुछ दांतों तले उंगली दबा रहे हैं और कुछ ने पहले ही दिन कहना शुरू कर दिया कि आपकी तरह हम भी राजनीति करेंगे। आई थिंक द आम आदमी पार्टी हैज इन्वॉल्वड अ लॉट ऑफ पीपल हु द ट्रेडिशनल पार्टीज डिड नॉट इन्वॉल्व। वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट एंड वी आर गोइंग टू डू ए बेटर जॉब देन एनीबॉडी इन द कंट्री। एक आंदोलन के गर्भ से निकली राजनीतिक पार्टी ने 365 दिन में देश की राजनीति को 360 डिग्री पर घुमा दिया।
उससे टक्कर लेने वाले घनचक्कर बने हुए हैं और सोच रहे हैं काश आपकी तरह वो भी जनता से जुड़े रहते। आशीष महर्षि, रायपुर आज तक। अरविंद केजरीवाल ने एक साल पहले पार्टी बनाई, बड़ी होशियारी से दिल्ली में चुनाव लड़ा और जीता। अब केजरीवाल की नजर लोकसभा चुनावों पर है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह आ रही है कि आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुमार विश्वास को उतार सकती है। अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में कौन हारा यह किसी को पता नहीं, लेकिन जीता कौन यह दुनिया जानती है। उनका नाम है राहुल गांधी। सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद है राहुल, जिनके जरिए पार्टी 2014 की चुनावी वैतरणी पार होना चाहती है। लेकिन क्या राहुल को उनके ही गढ़ में आम आदमी पार्टी टक्कर देगी? बुधवार को आपकी थैंक यू रैली में सिग्नल तो यही मिला। अरे साहब, अरुण जेटली की बात छोड़ दीजिए, हम तो अपने युवा हृदय सम्राट को तथाकथित युवराज से भी लड़ा सकते हैं, चिंता क्यों करते हो। यह बिल्कुल सही है कि 1977 में इंदिरा गांधी राय बरेली में राजनारायण के हाथों हार गई थी, लेकिन ये भी सच है कि उसके बाद कांग्रेस चाहे दिल्ली का तख्त जीती हो या हारी, नेहरू गांधी खानदान के किसी वारिस ने अपनी सीट नहीं गंवाई। लेकिन इस बार दिल्ली में जैसी लहर अरविंद केजरीवाल ने पैदा कर दी है, उसे तमाम सियासी पार्टियां कहर मान रही हैं। उस पर से केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में भी दूसरे राजनीतिक दलों से लोहा लेने को तैयार है। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, अब दिल्ली में दोबारा चुनाव हुआ तो दोबारा चुनाव भी लड़ना है, अब हमको चंदा चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ताल ठोकने लगी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। हालांकि पार्टी ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुमार विश्वास ने इतना जरूर कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ेंगे निश्चित रूप से, वंशवाद की आखिरी बेल को समाप्त करके आएंगे। तो अमेठी इस बात का हिसाब किताब करेगी, मैं थोड़ी लड़ने जाऊंगा, मेरी क्या औकात है कि देश के सबसे बड़े शाहजादे से लड़ लूं, शहजादे से लड़ लूं, इस देश के अघोषित राजकुमार से लड़ दूं, एक छोटा सा गरीब मास्टर का बेटा हूं, लेकिन लड़ने जाऊंगा। अगर जनता लड़ाएगी तो जनता बताएगी कि फकीर जब जब राजा से भिड़ता फकीर जीतता है। दिल्ली की जीत के बाद आम आदमी पार्टी का खुद पर भरोसा इतना बढ़ गया है कि वो कई मोर्चे खोलने की बात करने लगे हैं, यहाँ तक कि वो युवराज राहुल के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने की बात करने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा कि उसके सबसे बड़े चेहरे को कोई ऐसे चुनौती दे, इसीलिए अलग अलग मोर्चे से पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। वो क्या लड़ेगा, क्या लड़ेगा? अरे वहाँ जोकर बहुत हैं, एक जोकर और बहुत जाएगा। इसको आना है आ जाए, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो अपना उम्मीदवार अपना प्रतिद्वंदी थोड़ी तय करते हैं, जिसको आना होगा आएगा, हम अपनी बातों पे लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी एक रीजनल फिनोमेना है और बहुत ज्यादा दिल्ली से बाहर ये चमत्कार नहीं कर पाएंगे, फिर भी उनके अंदर जोश है तो एक बार इनका जोश ठंडा हो जाने दिया जाए। अब ये कुमार विश्वास का अति विश्वास हो या जीत को लेकर मजबूत इरादा, लेकिन केजरीवाल ने तो अपनी पार्टी के सारे विधायकों से दो टूक कह दिया है कि विधायक होने का गुमान मत पालना, खुद को जनता का सेवक ही समझना। यहाँ पर हमारे जितने साथी बैठे हैं, विधायक बने हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, घमंड में मत आ जाना, अहंकार का मत कर बैठना। अब पता नहीं कि केजरीवाल की समझाइश को आपके विधायक कितना मानेंगे, लेकिन राहुल ने तो पहले ही साफ कर दिया कि वो आपसे बहुत कुछ सीखने को तैयार है। अब सवाल है कि क्या आपके उम्मीदवार से वो उसी अंदाज में मुकाबला करेंगे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली
आज तक। जहां राजनीति का आखिरी लक्ष्य किसी भी तरह कुर्सी हासिल करना होता है, वहां केजरीवाल ने कुर्सी के आगे भी एक बड़ी लकीर खींच दी। वो लकीर है कि जोड़ तोड़ से सरकार बनाने वालों की खैर नहीं। तभी तो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाने से मना कर दिया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के साथ 32 सीटें जीती हैं, यानी बहुमत से महज 4 सीट कम। बावजूद इसके सरकार बनाने की हिम्मत बीजेपी को नहीं हुई। हमारी दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता के स्पष्ट मैंडेट के अभाव में हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम विपक्ष में बैठकर दिल्ली की जनता की सेवा करें। यह केजरीवाल का साइड इफेक्ट है राजनीति को साफ सुथरा करने की। इसमें सभी दलों को यह डर सताने लगा है कि अगर जनता की नजरों में गिरे तो 2014 का लोकसभा चुनाव कहीं खतरे की घंटी न बजा दे। अगर उनको पूर्ण बहुमत सेंटर में नहीं मिला या किसी और राज्य में नहीं मिला तो वो वहां पे सरकार बनाने के लिए मना कर देंगे। दरअसल केजरीवाल ने राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता की वो लकीर खींच दी है जिसे मिटाने की जरूरत फिलहाल कोई नहीं कर सकता, और इसके लिए केजरीवाल ने अपने वॉलंटियर्स के जरिए सीधे जनता से संपर्क बनाया, अपने दिल के सुनाई, उनके दिल के सुनी। जिस केजरीवाल ने दिल्ली में ना कोई बड़ी रैली की और ना ही कोई बड़ी जनसभा, बल्कि घर घर जाकर ऐसी दस्तक दी जिसकी गूंज दिल्ली विधानसभा से कहीं ज्यादा संसद में सुनाई पड़ रही है। केजरीवाल की अदा ने आम आदमी को दीवाना बनाया। अब राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर केजरीवाल से नया पाठ सीख रहे हैं। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अन्ना के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अरविंद केजरीवाल की थी, लेकिन केजरीवाल ने जब राजनीतिक दल बनाया तो अन्ना ने खुद को अलग कर लिया। बावजूद इसके केजरीवाल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत हद तक कामयाब रहे। अन्ना हजारे फिर से अनशन पर बैठ गए, फिर से वही पुरानी रट कि राजनीतिक दलों से दूर रहेंगे, लिहाजा केजरीवाल से भी और उनकी आम आदमी पार्टी से भी अन्ना दूर है। लेकिन जिस दिन केजरीवाल ने दिल्ली फतह की, उस दिन केजरीवाल को बधाई देने वालों में अन्ना सबसे आगे थे। धन्यवाद करूंगा कि एक जीरो से उसने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे वो कहां तक पूरा होगा वो शंका है। अन्ना के आंदोलन से ही केजरीवाल का सियासी दर्शन निकला। यह पहला मौका था जब किसी एनजीओ ने आंदोलन छेड़ा और आंदोलन धीरे धीरे एक राजनीतिक दल में बदलता चला गया। उस राजनीतिक दल ने एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। गुरु अन्ना से चेले केजरीवाल 4 कदम आगे बढ़ गए। अन्ना हजारे ने लोगों को आंदोलन का एक रास्ता दिखाया। बहुत से लोग अन्ना के साथ उस रास्ते पर चल भी निकले, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसी में से राजनीति की ऐसी राह चुनी जिस पर चलने के लिए आज बड़ी बड़ी पार्टियों में भी होड़ लगी है। जमाने से राजनीति करने वालों को केजरीवाल ने सिखा दिया कि बगैर बड़े आडंबर के बड़ी राजनीति कैसे की जाती है, एक आम आदमी बनकर और आम आदमी पार्टी का नेता बनकर। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।